अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज हम रिएक्ट कर रहे हैं मौलाना तारिक जमील साहब के एक बयान के ऊपर, जो है हजरत मोहम्मद की भूख का वाकया। ये जो वीडियो है, मुझे मोहम्मद हुसैन शाह हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट भेजा था कि मैं इस वीडियो पे रिएक्ट करूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हजरत मोहम्मद की भूख का वो कौन सा वाकया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तक पहुंचने का रास्ता कुर्बानियों से होके जाता। आप सब मुतवस्सित या गरीब लोग बैठे, मेरे नबी जैसा गरीब पूरी कायनात में कोई नहीं। मैं जबूती सोमालिया गया हूँ, वहाँ के गुरबत को देखकर मुझे लगा जैसे लफ्ज़ गुरबत भी उनकी गुरबत पे रोता है। ऐसी गुरबत मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखी जो मैंने जबूती में देखी, सोमालिया में देखी, कैमरून में देखी, चौड में देखी, सूडान में देखी। 24 घंटे में एक दफा भी खाना नसीब नहीं। हमारा गरीब से गरीब आदमी 24 घंटे में चूल्हा जला बैठता है, लेकिन मेरे नबी पर जो गुर्बत आई, कोई है पूरी दुनिया में तो अल्लाह ने मुझे फिराई है जिसके घर में दो दो महीने चूल्हा ना जलता हो? मेरे नबी वो फकीर थे जिनके घर में दो दो महीने चूल्हा नहीं जलता था। एक रात आप सोए हुए, कभी यूं करवट बदले और कभी यूं करवट बदले, बार 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 हज़रत आयशा के साथ। तो थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा सा आगे हुए और चारपाई की जो लकड़ी होती जिस पर बान बुन होता है उस पर पेट को यूं फिक्स करके और नीचे लटक, नीचे लटक गए, धड़ आधा नीचे लटक। फकान काब कौसैन को बदल, वाह वाह वाह, क्या मकाम है काब कौसैन, और क्या हालात से गुजर रहे हैं कि यूं आधा धड़ नीचे लटक गया। अम्मा आयशा उठ के बैठ गई, या रसूल अल्लाह खैरियत, क्यों आप उठ के बैठे? आयशा भूख बहुत लगी, भूख बहुत लगी, इसलिए प्रेशर दिया ताकि जो भूख की तलब है ना मेदे में उसको प्रेस किया, इसलिए पत्थर बांधते थे कि वो पीछे चला जाए। आप मस्जिद में तशरीफ फरमाते, एक साबिना कर का, या रसूल ये देखें कपड़ा हटाया, ये देखें मैंने प्लेट पर पत्थर बांधा। जिनके लिए कायनात बनाई, जिन्हें अपना हबीब कहा, जिनके चेहरे की कस्में उठाई, वद्दुहा, जिनकी जुल्फों की कस्में उठाई, वल्लैल इज़ा सजा, जिनके मुंह से निकले बोल की कसम उठाई, वकीलही, जिनके किताब की कसम उठाई, वल कुरआनिल मजीद, जिनके शहर की कसम उठाई, बहादल बलदिल अमीन। इतनी बड़ी हस्ती, आपने कहा जरा इधर देखो, आपने पेट से कपड़ा हटाया तो आपने दो पत्थर बांधे, देखो मैंने दो बांधे। कोई ऐसा फकीर है दुनिया में दिखाओ? आयशा भूख बहुत लगी तो अल्लाह के तो हज़रत आयशा रोने लगी, कहा या रसूल अल्लाह फिर आप अल्लाह से मांगते क्यों? कहा आयशा नहीं मांगूंगा, इसी भूख में अल्लाह से मुलाकात कर, नहीं मांगू, मुझसे पहले मेरे जो भाई आए अंबिया वो इसी फकर में गए, मैं भी इस फकर में जाऊंगा। अपने घर में ये दुख रखा, अपनी औलाद के ज़बह होने को कबूल किया ताकि आइंदा आने वाली उम्मत का गरीब तबका गिला न करे, शिकवा न करे, हराम रास्तों पे न जाए, गलत रास्तों पे न जाए, और मालदार फख्र न करे मैं कोई बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरी इतनी बड़ी फैक्ट्री बन गई है, मेरी इतनी बड़ी कमाई हो गई है। ये ना ये बड़ाई की चीज़ है ना वो छोटाई की चीज़ है। जिससे अल्लाह राज़ी है वो बड़ा है, जिससे अल्लाह नाराज़ है वो छोटा है, चाहे गरीब है चाहे मालदार। हर साशा फरमाती हैं, बेटा दो दो महीने गुजर जाते थे हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हा नहीं जलता था, दो दो माह गुजर जाते थे। एक दफ़ा बाग में तशरीफ ले गए, अब्दुल्ला बिन उमर आपके साथ हैं, सुबह का वक्त है, तब खजूरें गिरी पड़ी, जो मिल्क नहीं होती ना, किसी कौवे ने ठोंग मारी, किसी तोते ने उसको ऐसे ही वो उसको टुक दिया अपनी और उसके साथ चोंच के साथ, तो वो गिर पड़ी। अब उठा के साफ करके खा रहे थे और अब्दुल्ला से कह रहे थे, अब्दुल्ला तू नहीं खाता? उन्होंने कहा जी मुझे भूख नहीं है।
आपने कहा, अब्दुल्ला मुझे भूख है, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया। चौथा तुम्हें कोई है जिसके यहाँ चार दिन फाका चलता हूँ, आज चौथा दिन है मैंने कुछ नहीं खाया। हमारे दस्तरखान पे कितना खाना उठा के कूड़े के ढेर में जाता है, आज चार दिन गुजर चुके हैं मैंने कुछ नहीं खाया। हादिहि सुबह राबियतिन मा ज़ुक्तु शैया, आज चौथी सुबह मेरे ऊपर तुलू हुई है, एक लुकमा नहीं खाया। आप मस्जिद में बैठे थे, काब बिन आजरा आए तो आपको देखकर ऐसे कहने लगे, या रसूल अल्लाह माली अरा का मुतगैर लहू, या रसूल अल्लाह आपका चांद सा चेहरा चमकता, आज मुरझाया हुआ क्यों नजर आ रहा है? तो आपने यूं देख अपने पेट पर यूं उंगली रख कर कहा, मा दखल जौफी मा यदखुल जौफ दात कब्र मुंदो फलाफ, का आज तीन दिन गुजर चुके हैं पेट में एक रोटी का जर्रा दाखिल नहीं हुआ, जर्रा लुकमा नहीं, जर्रा रोटी का एक जर्रा पेट में दाखिल नहीं हुआ। और इतनी बड़ी रिसालत, इतनी बड़ी नबूवत, अपनी उम्मत के गरीबों की तसल्ली के लिए और अपनी उम्मत के मालदारों को सबक देने के लिए कि अल्लाह रिज्क दे तो अपनी हैसियत न भूलो, और अल्लाह ना दे तो अपने हबीब की कुर्बानी ना भूलो। उन्होंने तो जानबूझ के ये किया, जानबूझ के, ये नहीं कि आपको कोई तंगी अल्लाह की तरफ से, जानबूझ के। और सारे घर का ये हाल है, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मिलने गए, कहा बेटे मैं अंदर आ जाऊं, मेरे साथ इमरान भी हैं, एक सहाबी थे अरब सरदार, मेरे साथ इमरान भी हैं। कहा अब्बा जान मेरे घर में इतनी चादर नहीं कि अपने आप को छुपा सकूं, पर्दा करने के लिए मेरे पास चादर कोई नहीं। तो आपने अपनी चादर अंदर दे देगा, इससे पर्दा कर लो, तो लपेट ली। अब अंदर आए तो आपने पूछा, मैंने सुना था तो बीमार है, मैं तेरा हाल पूछने आया हूँ। तो बाप को देख के आंसू निकल आए, कह या रसूल अल्लाह बीमारी भी है और भूख भी है, दोनों ही हैं, सिर्फ बीमारी नहीं भूख भी है। बड़े बड़े मुसीबतों से लड़ जाने वाले माथे पे कभी बल ना आया, बेटी के आंसुओं ने पिघला भी दिया और रुला भी दिया। आप भी रो पड़े, आप भी रो पड़े। फिर कहा मेरी बेटी न रो, वल्लदी बाफा अबा के बिलहक मा ज़ुक्तु मिन सलासति अय्याम मिन तवाका, आज तीसरा दिन है मैंने एक लुकमा नहीं खाया मैं तेरे साथ। और मेरी बेटी मैं तुम्हें बताऊं, मेरे रब ने मुझे कहा था, मेरे हबीब अगर आप चाहें तो उहद पहाड़ सोना बना दो, 10 मील लंबा चौड़ा है उहद पहाड़, 10 मील मैं उहद पहाड़ सोना बना दो आपकी खिदमत में पेश करूं। तो मैंने कहा नहीं या अल्लाह मुझे नहीं चाहिए, मैं एक दिन भूखा रहूंगा, एक दिन खाना खाऊंगा। फिर फरमाया बेटी क्या तुझे ये इज्जत काफी नहीं है कि अल्लाह ने तुझे जन्नत की औरतों का सरदार बना दिया? ये सरदारी सोने चांदी में तुल के नहीं मिली ही। कुर्बान जाओ भाइयो, आप सब माशाल्लाह नौजवान नजर आ रहे हो, थोड़ा वक्त निकाल के अगर आप पढ़े हुए हो अपने नबी की जिंदगी पढ़ा करो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ा करो, बड़ा ईमान भी बनेगा, हौसला भी मिले। आप हसन हुसैन को कहते थे मेरी आंखों की ठंडक, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे सीने की ठंडक, मेरे लाडले, जन्नत के चांद, जन्नत के सरदार, मेरे दो फूल, ये सारे अल्फाज हसन हुसैन के लिए हैं। और उनके भूख की वजह से रोने की आवाज सुनते थे और तड़पते थे, लेकिन रोटी नहीं मांगी उनके लिए, रोटी नहीं मांगी। क्या अपनी उम्मत के गरीबों को तसल्ली देनी थी कि अगर मैं फकीर बन के जा रहा हूं तो तुम्हारे ऊपर भी इम्तिहान है, चंद दिन बर्दाश्त करो। आपने फरमाया सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा, सारे नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मैं ना चला जाऊं, और सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक मेरी उम्मत चली जाए। सबसे पहले मैं जन्नत में दाखिल होऊंगा, वमा या फुकरा उल मुमिनीन,
और मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोगों की, मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब लोग मेरे साथ पहले दाखिल होंगे। हज़रत फातिमा के घर में फाका हद से बढ़ गया तो हज़रत अली ने फरमाया कि जाओ अल्लाह के नबी से कुछ तो मांग के आओ, कुछ हम कुछ तो पेट में जाए। जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आया, ये एक दफा इतना फाका आया कि हज़रत अली जैसी हस्ती ने भी कहा जाओ। तो आप तशरीफ लाई और दरवाजे पे दस्तक दी तो इतना प्यार था। जब हज़रत फातिमा घर में दाखिल होती, अल्लाह ने हमें औलाद के साथ क्या सलूक करना है अल्लाह ने हमें अपने नबी से यह भी सिखाया। हज़रत फातिमा जब भी घर में आती, और साथ ही तो घर था, दीवार से दीवार मिली थी, रोज का आना जाना था, तो मेरे नबी बैठे नहीं रहते थे, आओ फातिमा क्या हाल है, खड़े हो जाते और तेजी से आगे बढ़ते, दरवाजे पर ही हजरत फातिमा का हाथ पकड़ लेते, हाथ का बोसा लेते, बोसा लेकर हाथ पकड़े पकड़े बेटी को चारपाई पे पहले बिठाते, उसके बाद खुद बैठते थे। अकरमू औलादकुम, मेरे नबी ने कहा औलाद को इज्जत दो फिर वो तुम्हें इज्जत देंगे। हमारे माहौल में अक्सर माँ बाप ने औलाद पर डंडा ही उठाया होता है, फिर उनमें बगावत पैदा हो जाती, फिर कहते हैं औलाद नाफरमान। आपने दस्तक दी तो कहने लगे ये तो फातिमा की दस्तक है, खैर तो है, पहले तो कभी इस वक्त में आई नहीं। तो आपने उम्मे ऐमन से कहा दरवाजा खोलो, उम्मे ऐमन ने दरवाजा खोला तो आपने इस्तकबाल किया, बिठाया, पूछा बेटी क्या हुआ, इस वक्त में कैसे आई। कह या रसूल अल्लाह बहुत फकर है, बहुत भूख है, आपके पास सोना कुछ माल आया है, कुछ हमें भी दे दिया जाए। इतनी साबिर बेटी जिंदगी में एक दफा भूख की शिकायत लेकर आई, और आगे बाप ने फिर पेपर ले लिया, फिर इम्तिहान में डाल दिया। आपने कहा बेटी मेरे पास 5 बकरियां खड़ी हैं, दे दूं या 5 दुआएं सिखा दूं। ये भी कोई कितना सख्त मौका था, कितना सख्त मौका है कि सबर का पहाड़ बेटी इतनी मजबूर होकर आती हैं कि या रसूल अल्लाह पूरा हाल। तो मेरे नबी कहते बेटी ये बकरियां भी ले जा, दुआएं भी ले जा, दोनों जमा कर देते, या दुआएं बाद में सिखा देते, बकरियां देते, एक तो दे देते, पर उम्मत के गरीबों को तसल्ली देनी थी, चूंकि उम्मत में अक्सर तबका गरीब होगा। तो आपने कहा बेटी 5 बकरियां दो या 5 दुआएं दो। तो वो समझ गई अपने बाप के मिजाज को कि अब्बा जान इम्तिहान ले रहे हैं। तो कहा अब्बा जान बकरियां छोड़ दें, मुझे दुआएं सिखा दें, मुझे बकरियां नहीं चाहिए। भूखे की रात भी गुजर जाती है और भूखे का दिन भी डूब जाता है। तो आपका चेहरा ऐसे खिल गया कि मेरी बेटी पास हो गई। कहा बेटी आप तुम दुआ में ये कहा करो या अव्वल अल अव्वलीन या आखिर अल आखिरीन या ज़ल कुव्वत अल मतीन या राहिम अल मसाकीन या अरहम अर राहिमीन, ये तेरे लिए 5 बकरियों से आला चीज। अब घर वापस गई खाली हाथ। हसली ने फरमाया तू तो कुछ भी नहीं लाई। कहा नहीं लाई हूं, बहुत कुछ लाई हूं। कहा क्या? कहा मैं दुनिया लेने गई थी, आखिरत लेके आ गई। दुनिया वजह तो बिलाखरा। तो असली ने फरमाया तेरा आज का दिन सबसे आला दिन, खैर अय्याम की हाल। दामाद का इम्तिहान ले लिया, असली को बुला लिया, अली 5,000 बकरियां दो कि 5 दुआएं दो। उस वहां तो 5 बकरियां, अब 5,000 कर दो। अली 5,000 बकरियां लेते हो या 5 दुआएं लेते हो? तो भी समझ गए कि आज मेरा महबूब मुझसे इम्तिहान ले रहा है कि अली कितना को मजबूत है अपने ईमान में। और फाके के मैंने बता दिया क्या गुजर रहे, आदमी अपनी भूख सह लेता है, औलाद का रोना बर्दाश्त नहीं होता है। अली 5 दुआएं दूं के 5,000 बकरियां। असली ने अर्ज किया रसूल अल्लाह दुआएं सिखा दें, बकरियां नहीं चाहिए। मेरा नबी का चेहरा खिल गया कि मेरा दामाद भी पास हो गया। काली तो ये दुआ मांगा कर रोजाना, अल्लाह मख़फ़िली ज़म्बी वस्सेली खुलुकी वबारिकली फी रिज़्क़ी
وقنعني بما رزقتني ولا تذهب قلبي الى شيء صرفته عني. یہ پانچ دعائیں تو مانگا کر، پانچ ہزار بکریوں سے زیادہ ہے. اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرا گناہ معاف کر. وسع لی خلقی، میرے اخلاق عالی شان کر. بارک لی فی رزقی، میرے رزق میں برکت دے. قننی بما رزقتنی، مجھے لالچ سے نکال دے، مجھے لالچی نہ بنا، مجھے حریص نہ بنا. ولا تذهب قلبی الی شیء صرفته عنی، جو تو نے مجھے دیا نہیں اس کی میرے اندر سے طلب بھی ختم کر دے، مجھے اس کا طلبگار بھی نہ بنا. کہ یہ پانچ ہزار بکریوں سے زیادہ ہے. میں نے تھوڑا سا اپنے نبی کے گھر کا نقشہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ چند دن صبر کی دنیا ہے، اللہ راضی ہو گیا تو موت سب سے خوبصورت پیغام. جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت محمد اگر وہ چاہتے تو اپنے سامنے وہ کھانے کے لیے ایک سے ایک بڑھ کے لذیذ کھانا منگوا سکتے تھے، کیونکہ جیسے ہمیں سب کو پتا ہے لوگ ان کو میجیشن بھی بولتے تھے کہ نہیں یہ کوئی جادوگر ہے، جادو کر کے یہ سب کام کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی چیزیں کی تھی جو کہ بیونڈ ایکسپیکٹیشن تھی، کہ لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ انہوں نے کر دی. تو کھانا تو اس کے سامنے بہت چھوٹی چیز ہے جو انہوں نے مطلب وہ لا سکتے تھے، بٹ انہوں نے ایسا نہیں کیا، صرف اپنی امت کو یہ دکھانے کے لیے کہ اگر آپ کل کو غریب ہو، آپ کے پاس کچھ ایسے حالات ہو گئے ہیں آپ کے گھر کے کہ آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو آپ کبھی بھی غلط رستے کو فالو نہیں کرو. تو جو امیر ہیں ان لوگوں کو اس چیز کا گمان کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے، اور جو غریب ہیں انسان اس کو کبھی اس چیز کے لیے ریگریٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میں بہت غریب ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یا میں کسی غلط کام کو کرنا سٹارٹ کر دوں، کسی غلط رستے پہ چل جاؤں، تو یہ چیز نہیں کرنی چاہیے. تو ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف اپنی امت کو ایک اچھا سا میسج کنوے کرنے کے لیے انہوں نے وہ ساری جو تکلیفیں تھیں اپنے شریر پر برداشت کی. صرف خود اپنے نہیں بلکہ انہوں نے کبھی اپنی فیملی ممبرز کو بھی ایسا نہیں کرنے دیا کہ وہ بہت لیبش زندگی جی رہے ہیں، اور کیونکہ اس سے بھی لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ مطلب شاید یہ دکھاوے کے لیے خود ایسے غریب بن کے رہ رہے ہیں، لیکن دیکھو ان کے بچے یا بیوی باقی سب لوگ تو بہت اچھی زندگی جی رہے ہیں. تو مطلب چار چار دن تک وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، کیونکہ اگر ہم لوگ ایک یا دو دن بھی کھانا نہ کھائیں تو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، مینس وہ کریمپس ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پیٹ میں، تو بہت ہی مطلب پینفل لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اسٹمک ویک ہو رہا ہے یا کیا کرے، مطلب امیڈیٹلی کچھ کھانے کو مل جائے. بٹ پروفیٹ محمد نے اپنی امت کو ایک اچھا سا میسج دینے کے لیے اپنے آپ کو اتنے دنوں تک وہ بھوکا بھی رکھتے تھے. اور جیسے کہ طارق جمیل صاحب نے بھی مینشن کیا ہے کہ ہم سب لوگوں کو اپنی زندگی میں سے ڈیلی کچھ نہ کچھ ٹائم اتنا ضرور نکالنا چاہیے کہ ہم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں. بیکر یہ والی جو واقعہ ہے حضرت محمد کی بھوک کا واقعہ، اس ویڈیو کو جب میں نے سٹارٹ کیا اور جب طارق مولانا صاحب نے بتانا سٹارٹ کیا کہ ان کے پاس کھانا نہیں تھا، تو وہ چارپائی پہ اپنے پیٹ کو ایسے پریس کرتے تھے جس سے ان کی بھوک دب جائے، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، تو میرے مائنڈ میں سب سے پہلے وہی چیز آئی تھی کہ جو پروفیٹ محمد ہیں ان کی فرسٹ جو وائف تھی وہ بہت رچ تھی، ان کے پاس بہت پیسہ تھا، وہ بزنس کرتی تھی. اور پھر میں وہی سوچ رہی تھی کہ مطلب ایسا کیا ہو گیا کہ وہ سارا پیسہ کہاں چلا گیا جو وائف کے پاس ہوگا، یا وہ وائف کہاں چلے گئی. تو اس کوشچن کا آنسر مجھے ضرور محمد صاحب کے لیے جو سیریز میں نے سٹارٹ کی ہے وہاں سے ضرور ملے گا آنے والے ایپیسوڈز میں سے، بیکاز اس میں ان کی زندگی کی ہر ایک چھوٹی بڑی کہانی کو بہت ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے. تو آپ میری وہ سیریز کو بھی دیکھنا نہیں بھولیے گا، اس کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گی. ضرور ریفر کیجئے اس سیریز کو، کیونکہ اس میں پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت اچھے اچھے جو انسیڈنٹس ہیں، ان کی چائلڈہڈ سے لے کے ان کی ابھی ہم لوگ اس سیریز پہ پہنچ گئے ہیں جب وہ 40 ایئرس کے ہو گئے تھے. تو پلیز آپ ضرور اس سیریز کو بھی دیکھیے، جس سے آپ لوگوں کو بھی نالج انہینس ہوں گی اور میری تو ہو ہی رہی ہے. اور آج کی اس ویڈیو کو ہم یہی ختم کرتے ہیں. بائے بائے.